Welcome to the Fashion Pattern Lab. In this video, we will discuss how to achieve the perfect stitch line. और मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ कॉटन प्लस पॉलिएस्टर वूवन फैब्रिक। ये ना बहुत थिक होता है और ना बहुत थिन, मतलब ना मोटा है और ना बहुत पतला। ज़्यादातर इसी थिकनेस के फैब्रिक यूज़ होते हैं क्लोथिंग में। सबसे पहला स्टेप होता है परफेक्ट मशीन नीडल। जो भी फैब्रिक आप यूज़ करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको नीडल सेलेक्ट करनी है। तो क्लोज व्यू में ध्यान से समझेंगे, नीडल पर एक साइड छोटी लाइन होती है और दूसरी साइड थोड़ी लंबी लाइन होती है। और साथ ही नीडल पर कंपनी नेम और नीडल साइज भी लिखा होता है। और ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप कौन सी कंपनी की नीडल यूज़ कर रहे हैं और कौन से नंबर की नीडल। मैं ऑर्गन कंपनी की नीडल यूज़ करना रिकमेंड करती हूँ और क्लोथिंग में 14, 16 एंड 18 नंबर की नीडल यूज़ होती है। अब नीडल लगाने का प्रोसेस समझते हैं। ये छोटा सा स्क्रू नीडल होल्ड करने का काम करता है। इसे अपनी तरफ स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से रोटेट करेंगे तो नीडल निकल जाएगी। और फिर नीडल की छोटी लाइन वाली साइड मशीन के अंदर की तरफ रखकर नीडल इस तरह लगाएंगे और वापस स्क्रू टाइट कर देंगे अच्छे से। नाउ कमिंग टू द थ्रेड। ज्यादातर पॉलिस्टर थ्रेड यूज होता है फॉर स्विंग, क्योंकि ये स्ट्रांग होता है और इजीली टूटता नहीं है। और अगर हमें स्टिच के बाद डाई कराना है तो उस कंडीशन में कॉटन थ्रेड प्रेफरेबल होता है। थ्रेड एकदम स्मूथ होना चाहिए। अगर उसमें इस तरह यार्न विजिबल है या थ्रेड बहुत पुराना है तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, जिससे वो टूटता रहता है। अब थर्ड नंबर पर आता है थ्रेडिंग प्रोसेस। अगर आपने मेरी हाउ टू थ्रेड वीडियो नहीं देखी है तो इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, जिसमें मैंने मशीन सेटअप टिप्स एंड ट्रिक्स और एरर के साथ एक्सप्लेन करा है। आप मशीन में थ्रेड कैसे लगा रहे हैं वो भी बहुत मैटर करता है। और स्टिचिंग के टाइम प्रेसर फुट ऊपर उठाने के लिए नी पैड प्लेट का यूज करें। ये ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है और इससे प्रेसर फुट ज्यादा हाइट पर ऊपर होता है। Now let's try this stitch or seam line. मशीन ऑपरेट करने का बेटर तरीका है एक पैर आगे और एक पैर पीछे रखें, जिससे मशीन की स्पीड कंट्रोल करना आसान होगा। Use back tag lever for lock this stitch, starting और end में। ये बिल्कुल ठीक स्टिच लाइन है जिसमें दोनों साइड स्टिच ऐसी दानेदार नजर आ रही है। लेकिन सपोज आपकी स्टिच लाइन ऊपर से सही और नीचे से ऐसे लूप्स फॉर्म में आ रही है तो इस थ्रेड टेंशन को टाइट करना है। और अगर टाइट स्टिच आ रही है तो लूज करना है। सिमिलरली अगर ऊपर का थ्रेड ठीक नहीं आता है तो बॉबिन केस चेक करना है, उसमें कोई डस्ट तो नहीं है। और बॉबिन केस में भी छोटा सा स्क्रू होता है, इस स्क्रू को टाइट लूज करके ऊपर की साइड के स्टिच का एरर ठीक कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मोटा फैब्रिक जैसे हैवी डेनिम फॉर जीन्स या बहुत ज़्यादा पतला फैब्रिक जैसे जॉर्जेट शिफॉन यूज़ कर रहे हैं तो प्रेसर फुट को एडजस्ट करना भी ज़रूरी है, जिसके लिए अपर शाफ्ट बुशिंग लूज करें, फिर अपने फैब्रिक के अकॉर्डिंग लोअर शाफ्ट बुशिंग एडजस्ट करें। मतलब मोटा फैब्रिक है तो लूज और पतला फैब्रिक है तो टाइट करके वापस अपर शाफ्ट बुशिंग टाइट कर दें। नाउ कम टू द फीड लीवर। ये फीड डॉग की स्पीड को हैंडल करता है, जिससे फैब्रिक आगे की तरफ मूव होता है स्टिचिंग के टाइम। जितना ज़्यादा नंबर होगा उतनी फास्ट फैब्रिक मूव होगा, और जितना फास्ट फैब्रिक मूव होगा उतने ही गैप पर स्टिच आएगी।
1.5 से 2 स्टिच लेंथ यूज़ होती है शेयर फैब्रिक या बहुत लाइट वेट फैब्रिक जैसे शिफॉन और जॉर्जेट के लिए। 2 to 2.5 स्टैंडर्ड स्टिच लेंथ होती है। मैक्सिमम क्लोथिंग फैब्रिक में यही स्टिच लेंथ यूज होती है जो मीडियम वेट फैब्रिक होते हैं जैसे पॉपलिन। 3 to 3.5 स्टिच लेंथ अगर आप हैवी फैब्रिक यूज कर रहे हैं जैसे डेनिम या कॉर्डराय। 5 से बड़ी स्टिच लेंथ गैदर्स बनाने और बास्टिंग के लिए यूज होती है। बास्टिंग का मतलब होता है आपने कोई टेम्पररी स्टिच लगाई है और बाद में उसे निकाल देना है जैसे लाइनिंग अटैच करने के लिए, तो ये इजीली रिप ऑफ हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू फैशन पैटर्न लैब।